हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए 70 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले हो चुका है और 18 क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन है GS 1 का। बस एक दो दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद GS 1 अब 2022 का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं। भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समांतर पंथ की विशेषताओं की विवेचना करना है, 250 शब्द और 15 अंक का। तो भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र, धर्म के समांतर हम पंथ की विशेषता की विवेचना का सोसाइटी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं पंथ क्या है। पंथ या संप्रदाय आस्था का एक छोटा समूह है, या तो यह पारंपरिक धर्म का पालन करता है या एक अलग धर्म के रूप में इनके मूल सिद्धांत होते हैं। पंथ एक ही विश्वास या धर्म के उपसमूह होते हैं, जैसे ईसाई, हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और अन्य। तो पंथ या संप्रदाय उन धार्मिक समूहों का भी उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने खुद को एक स्थापित धर्म से अलग कर लिया है, अब अपने स्वयं के नियमों का पालन करते हैं। दूसरी ओर एक पंथ का सामाजिक समूह है जो जीवन में एक सामान्य रुचि या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामान्य धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं। जाति की तुलना में पंथ का महत्व बताना है तो क्वेश्चन पूछा यही है। तो पंथ अपने सदस्यों को भाईचारा, समानता, लक्ष्यों की एक समान दृष्टि के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पंथ एक निर्णय तब होता है पंथ का निर्णय तब होता है जब समाज तेजी से परिवर्तन के दौरान से गुजर रहा हो, मतलब दौर से गुजर रहा हो। और है भारत में उपजातियों की बढ़ती सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गुज्जर, जाट, पाटीदार और दी आदि, मतलब सारी जातियां कर रही हैं, प्रभुत्व हासिल कर रही हैं। अगला है, भले ही उप क्षेत्रों की स्थिति में सुधार हुआ है फिर भी समरूपता संस्कृति की प्रथा अभी भी प्रचलित है, जिसे आधुनिकीकरण नहीं कहा जा सकता, मतलब पुरानी चीजें चल रही हैं। तो क्षेत्रों की तुलना में पंथ का महत्व क्या है। तो पंथ भौगोलिक पहलुओं से भी उभरते हैं। उदाहरण के लिए गद्दी जैसी पहाड़ी जनजाति अपने व्यवहार में भी खानाबदोश है। शेख उत्तर भारतीय राज्यों में पाए जाने वाले मुस्लिम समुदाय तथा शेख में 4 मुख्य समुदाय जैसे सिद्दी, फारूक, उस्मानी, अब्बासी हैं। समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से धर्म के पालन में असमानता के अनुभव, मुसलमानों के आक्रमण और हिंदू समाज पर मुस्लिम शासकों द्वारा अर्जित राजनीतिक प्रभुत्व के कारण महाराष्ट्र में विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ है। तो धर्म की तुलना पंथ से अगर करने का महत्व क्या होता है, मतलब धर्म की तुलना में पंथ का क्या महत्व है इसको बताएं। तो हिंदू धर्म 4 प्रमुख संप्रदाय में विभाजित है, वैष्णव, शैव, स्मार्त और शक्तिवाद। संप्रदाय मुख्य रूप से सर्वोच्च के रूप में पूजे जाने वाले देवता और उस देवता की पूजा के साथ आने वाली परंपराओं में भिन्न होते हैं। वहीं इस्लाम कानून मतलब फिक्र जो होता है, ये जो होता है इस्लामिक इतिहास की समझ के आधार पर मुसलमानों को कई संप्रदाय में विभाजित किया गया है, जबकि संप्रदाय के आधार पर मुसलमानों को 2 भागों में बांटा गया, सुन्नी और शिया के। बौद्ध धर्म के मतलब को 2 संप्रदाय विभाजित किया गया है, अर्थात महायान और हीनयान में। ईसाई धर्म को 2 संप्रदाय विभाजित किया है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। पूर्व को परंपरावादी और बाद वाले को साधारणवादी माना जा सकता है। दोनों मुख्य रूप से चर्च के अधिकार के सवाल पर विभाजित हैं। और अगला बात करें तो भारतीय समाज सिंधु सभ्यता से आज की वैश्वीकृत विश्व की यात्रा का परिणाम है। तो इस तरह से पूरा बताते हुए आप कंक्लूजन पे आओगे कि इस यात्रा में यह बाहरी दुनिया और समाज के भीतर सुधार आंदोलन के प्रभाव में कई परिवर्तन से गुजरा है। हालांकि जो अद्वितीय और सराहनीय है वह तथ्य है कि यह अपने अतीत को संरक्षित करते हुए विभिन्न विशेषताओं को अपनाने और स्वीकार करने में कामयाब रहा है। तो यह रहा पूरा आंसर। भारतीय जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समांतर में पंथ के बारे में आपने बताया है। पंथ क्या है, जाति की तुलना में बताया और क्षेत्रों की तुलना में इनको धर्म की तुलना में बता दिया। तो इस तरह से ये आंसर बहुत ही अच्छा है, आप इससे सीखिए। मॉडल आंसर ऐसे ही लिखते हैं, आप इसको फ्रेम कर सकते हो फ्लो चार्ट वगैरह में। मैंने तो ऐसे ही बना दिया है ताकि आप समझ जाओ कि हाँ कैसे पूरा पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।